9th एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर 2021 का एमयू का है ये। और चलिए देखते हैं इसी आंसर की के बाद अपना स्कोर, जो एक्सपेक्टेड स्कोर है, आपने कितने स्कोर किया है, कितने नंबर आ रहे हैं आपके, वो आप यहाँ पे कमेंट कर देना और बताना क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा रहा है, ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें कट ऑफ आपकी तकरीबन कितनी रह सकती है। चलिए सवाल नंबर एक देखते हैं। एज ब्यूटीफुल एज रोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सिमिली का एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पे एज का इस्तेमाल हो रहा है, एज या लाइक का इस्तेमाल होता है, तो ये होता है आपका सिमिली। ऑप्शन टू देखिए, देयर इज बटर ऑन माई टोस्ट, टू मच बटर, बहुत ज़्यादा बटर है ऑन माई टोस्ट। ऑप्शन नंबर सॉरी सवाल नंबर थ्री, आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, व्हेन आई रीच द बुक स्टोर ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड। तो ये पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है, पास्ट परफेक्ट का, इनफैक्ट सिंपल का सॉरी प्रेजेंट का तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है, जो कि हेड का इस्तेमाल हुआ है। ओके, और अगर हम पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो इसमें वाज वर्ब के साथ आई एन टी लगता है, वो भी यहाँ पे नहीं है। फोर्थ सवाल देखिए, द इडियम हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स सेइंग एग्जैक्टली द राइट थिंग, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, आई वेंट टू क्लास टू टाइम्स टू फाइंड पेंसिल्स टू, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का एंटोनिम अपोजिट वर्ड क्या होगा, तो ये होगा आपका नॉलेज, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन, द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग इज एडिकेट, एडिकेट मीन्स तरीका, देखिए ये सही तरीके मैनर्स जिन्हें कहते हैं। एट नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रपोजिशन, आर यू सॉरी फॉर वॉट यू हैव डन, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस, टॉम इज बिल्डिंग ए हाउस, द हाउस इज बींग बिल्ड बाई टॉम, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ बींग जुड़ जाएगा और बाई का इस्तेमाल होगा वर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये उर्दू के हैं, तो देखिए, लफ्ज़ एहसास से कमतरी का मुतजाद क्या है, अपोजिट क्या होगा, तो ये होगा आपका एहसास से बर्तरी, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है 11, कासिम किस अफसाने का किरदार है, तो ये है आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है, जी आया साहब। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, एक जैसी आवाज और हर्फ पर खत्म होने वाले अल्फाज क्या कहलाते हैं, रदीफ, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लफ्ज गलीज का जद बताइए, तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, भद्दा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, आवारागर्दी की डायरी सफरनामा किसका लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है इब्ने इंशा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, शक्ल की जमा बताइए, तो इसका ऑप्शन सी सही है, असगाल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, सबक वतन की तरफ वापसी में गांधी जी ने किस मुल्क का जिक्र किया है, तो ये है अफ्रीका, ऑप्शन बी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17, बाग दरा किसकी शायरी का मजमू है, तो ये है अल्लामा इकबाल की शायरी का, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे हिंदी के सवाल शुरू हो गए, अग्नि शब्द का पर्यायवाची मतलब एक जैसे मीनिंग वाला वर्ड, तो अग्नि का होगा आपका पावक तो होगा, ज्वाला भी होगा, अनल भी होगा, बट अनिल नहीं होगा, तो आपका आंसर अनिल ही निकलेगा। ओके, आयात का विलोम बताइए, अपोजिट वर्ड निर्यात, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट इज ईदगाह कहानी के लेखक होते हैं प्रेमचंद। 21 देखिए, देशभक्ति शब्द में समास, तो तत्पुरुष समास होगा क्योंकि देश की भक्ति का छुपा हुआ है ना, काकी का जो छुपे होते हैं तब हम उसको तत्पुरुष समास मानते हैं। नेक्स्ट देखिए, सुदामा चरित कविता के कवि का नाम, तो ये है आपके नरोत्तम दास। 23, राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया है, रेखांकित तो वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या होगा, उत्तेजित करना, बात को बढ़ाना। 24, पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, तो ये होगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार, बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके यहाँ कहा जा रहा है। 25 देखिए, घोड़ा घास खा रहा है, इसमें घोड़ा क्या है, जातिवाचक संज्ञा, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट ए पार्ट ऑफ वाटर साइकिल, तो वाटर साइकिल में फोटोसिंथेसिस का कोई रोल नहीं होता, डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है, वैसे इसमें पानी निकलता है लेकिन बाकी तीनों का रोल डायरेक्ट होता है। 27 देखिए, कैरियर ऑफ डेंगू वायरस इज फीमोल, फीमेल एडीज मॉस्किटो, अगर पूछता आपसे मलेरिया का तो आंसर क्या होता, फीमेल एनाफिलीज। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 28, टेडपोल डेवलप्स इनटू एडल्ट बाय प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस, और इसमें
किसका रोल होता है किस हार्मोन का? थायरोक्सिन का। और थायरोक्सिन में किसका रोल होता है? आयोडीन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, इम्बेलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज मोस्ट एक्यूरेट। 30, दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड, क्या कहलाती हैं ऐसी स्पीसीज जो एक ही पर्टिकुलर एरिया में मिलती हैं? एंडेमिक स्पीसीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, जीन्स आर लोकेटेड इन, जीन्स होती हैं क्रोमोसोम्स पर। 32, बडिंग इज सीन इन, हाइड्रा मिलती है बडिंग, और ये कैसा प्रोसेस होता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। 33, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ कार्ड, तो कार्ड फॉर्मेशन में रोल होता है लैक्टोबैसिलस का। रेड डेटा बुक इज द सोर्स बुक दैट गिव्स द रिकॉर्ड ऑफ, किसका रिकॉर्ड होता है रेड डेटा बुक में? तो रेड डेटा बुक बहुत पूछा जाने वाला सवाल है, और इसमें आते हैं वो सारे एनिमल्स जो एंडेंजर्ड होते हैं, एनिमल्स हों चाहे वो प्लांट्स हों। यहाँ पर एनिमल की बात हो रही है तो एनिमल्स, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सबसे ज़्यादा सही हो जाएगा। और एंडेंजर्ड एनिमल वो होते हैं जो तकरीबन गायब होने वाले होते हैं, बहुत कम नंबर में वो बचते हैं। 35, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, स्टेटमेंट वन कहता है अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये सही है, प्रोटिस्टा में आता है ये। दूसरा कहता है ए वाइट सेल WBC कैन चेंज इट्स शेप, यस इट कैन चेंज, दोनों सही है, ऑप्शन सी बनेगा। 36, लेरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड, ये कह रहा था वॉइस बॉक्स। 37, फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूड्स इज कॉल्ड एज ड्रैग, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 38, पेंडुलम ऑसिलेट 20 टाइम्स इन 22 सेकेंड, सॉरी 20 टाइम 2 सेकेंड में, यानी कि 1 सेकेंड में कितना, 10 टाइम, सॉरी 1 सेकेंड में 10 टाइम, तो फ्रीक्वेंसी हो गई इसकी n 10, तो t पूछा है, t इज इक्वल टू 1/n, यानी कि 1/10, इसका मतलब 0.01 सेकेंड। 39, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला ये होता है F/A। नेक्स्ट 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लेनेट ऑफ द सन, तो सन के प्लेनेट्स आपको पता है सैटर्न भी है, अर्थ भी है, मरकरी भी है, और मार्स वगैरह 8 प्लेनेट हैं फिलहाल इसके पास, और ये नहीं होगा आपका, ऑप्शन ए आपका आंसर बनेगा। 41, 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। 42, लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमिंड बाय एम्पलीट्यूड, ऑप्शन सी करेक्ट। 43, एडवाइस विच इज यूज टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी, तो ये होता है आपका सोनार, हालांकि अर्थ के सिलेबस में नहीं है, आपका 9th में आता है। 44, व्हेन ए साउंड वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज इज फ्रीक्वेंसी, ओके। 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट कौन सी नहीं है? जूल, ये किसकी यूनिट है? वर्क की। 46, इफ द फोर्स ऑन द सर्फेस इज डबल्ड एंड एरिया इज रिड्यूस टू हाफ प्रेशर विल बी, तो हमने बताया था प्रेशर इज इक्वल टू F/A, एफ को कर दिया है 2F और ए को कर दिया है A/2, तो ये ऊपर चला जाएगा और बनेगा 4F, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 47, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज प्रिवेंटेड इन ह्यूमन आई बाय क्रॉइड। 48, विच आर द फॉलोइंग नॉन मेटल कैचेस फायर वेन एक्सपोज टू एयर, तो नॉन मेटल में फॉस्फोरस ऐसा है जो कि एयर से रिएक्शन करने के बाद आग पकड़ लेगा, अगर मेटल्स की बात होती तो सोडियम भी आपका आंसर हो सकता था, सोडियम और पोटेशियम दोनों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। 49 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो डिस्टिल्ड वाटर बैड कंडक्टर होता है। 50, विच ऑफ द फॉलोइंग फैब्रिक इज मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स पॉलीकॉर्ड। 51, यीस्ट इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। 52, फुल फॉर्म ऑफ CNG कंप्रेस नेचुरल गैस, उसके बाद पूछा 53 में एसिड रेन किससे बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटल, सल्फर मेटल नहीं होती, मरकरी क्या होती है? HG, और ये लिक्विड मेटल होती है, ओनली मेटल विच इज लिक्विड। नेक्स्ट, 55, विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड प्रिजर्वेटिव्स, ऑल ऑफ दीज। 56, द एडिटिव यूनिट आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर इज 0। 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं? यहाँ पे देखिए, दो छोटे नंबर का स्क्वायर करके हम ऐड करेंगे तो बड़े नंबर का स्क्वायर आ जाएगा, जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का करेंगे तो 16, कितना हो गया 25, किसका स्क्वायर है? बड़े नंबर का, तो ऐसे आप देखेंगे तो डी आपका आंसर बन जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, अल्टीमेटली सब कट जाएंगे और जीरो आपका आंसर हो जाएगा। फैक्टराइज करना है इसको, 3x² + 10x + 8 क्या आएगा? अब देखिए इसको ब्रेक करते हैं तो ये आ जाएगा 3x², ब्रेक करके इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6x + 4x में हमने इसको 10x को तोड़ दिया है और यहाँ पे लिखा 8 एज इट इज़। अब इन दोनों में देखेंगे आप तो ये आ जाएगा 3 कॉमन और x भी आ जाएगा कॉमन, तो x + 2 हमें यहाँ से मिल जाएगा इस ब्रैकेट में, प्लस अब ये बचता है हमारे पास यहाँ पे 4 कॉमन आ जाएगा तो x + 2 फिर से मिल गया। अब ये ब्रैकेट देखिए, ये ब्रैकेट देखिए फिर से कॉमन आ गई ये ब्रैकेट, तो x + 2 हम फिर से कॉमन ले लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे x + 2 से तो हमें 3x मिलेगा। अब बीच में है प्लस का साइन तो प्लस का लगा देंगे, ये प्लस का साइन है ना ये लगा देंगे हम, ओके। उसके बाद 4 है तो आंसर क्या हो जाएगा ए। रेंज ऑफ डेटा, तो सबसे छोटा नंबर देखिए, सबसे बड़ा नंबर देखिए, उसके बाद अपना आंसर देखिए। तो सबसे बड़ा नंबर है आपका 61, सबसे छोटा नंबर है 20, माइनस करेंगे 41 आ जाएगा और ऑप्शन सी में हमें मिलता है ये 61। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए वोवल फ्रॉम द अल्फाबेट? अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। टोटल प्रोबेबिलिटी है 26 और उनमें से वोवल चुनने, वोवल कितने होते हैं? 5, तो 5/26 हो जाएगा, ऑप्शन कितना सही हो जाएगा आपका बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, ये बेहद आसान सवाल है। देखिए 144, इसका रूट क्या हो जाएगा? 12, तो इसके बदले आप लिख दो 12। 12 जो आप 54 में 52 में ऐड करोगे तो ये कितना बन जाएगा? ये 64 बन जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना? 8, और 8 आप 248 में ऐड कर दोगे तो 256 मिल जाएगा, और इसका अगर रूट निकालोगे तो ये आ जाएगा 16, ऑप्शन डी। इवेल्यूएट करना है इसको, 8^-1 है ओके, तो इसको आप 1/8 लिख सकते हो, 5^1/3 ये है सॉरी -3 है तो इसको आप 1/5^3 लिख सकते हो, और ऐसे ही इसके नीचे दिया हुआ है 2^-7, तो इसको आप लिख सकते हो 2^1 करके 7, तो अल्टीमेटली 1/8 तो ऐसे रह जाएगा एज इट इज़, 2^7 पहुँचेगा ऊपर सॉरी ऐसे, और उसके नीचे क्या आ जाएगा? 5^3। अब आप देखिए ये क्या होता है, 2^3 ऊपर दिखा है, 2^7 पावर आप माइनस कर दोगे तो 2^4 आ जाएगा ऊपर और नीचे रह जाएगा 5^3। कुल मिला करके यहाँ पे 2^4 का मतलब हो गया 16 और 5^3 का मतलब 125, तो 16/125 16/125 कहाँ पे है? ऑप्शन सी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, अब देखिए ये सवाल दिया हुआ ये गलत है, यहाँ पे 24 कॉमन आ जाएगा और साथ में कॉमन आ गया x^6, तो हमें ब्रैकेट में क्या बचेगा? 3 और -4, x^a की बचेगी तो x आ जाएगा और y^6, तो ये होना चाहिए, कहीं हमें दिया हुआ ही नहीं है ओके, तो ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। लेट्स सी क्या करता है एमयू। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है -1^d है 2, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको 1/4 लिख सकते हो ठीक है, और इसमें ऐड करेंगे हम 1/3^-3 यानी कि 3^3 भी आप इसको कह सकते हो, और प्लस करेंगे हम क्या 1/4^-1 यानी कि 4^1 क्लियर, तो यहाँ से मिलेगा 27 और यहाँ से मिलेगा 4, कितना हो गया? 27 = 31, 31 सही, 1/4 = 31 होल 31 होल 1/4 ये आपका आंसर होगा, और ये हमें कहीं पे भी नहीं मिला, 31 होल 1/4 कहीं पे भी नहीं है, तो ऑप्शन इसमें कोई अवेलेबल नहीं है, ये भी क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, ये आप सबको मार्क्स मिलने चाहिए ओके। 66 नंबर, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर एन एंड एन प्लस वन? तो यहाँ पे देखिए 2n+1 आंसर होगा, आप इससे समझ सकते हैं n इज इक्वल टू, यहाँ पे चाहो तो 2 ले लो, तो n+1 इज इक्वल टू हाउ मच? 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4, और इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 9, दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 5, और 2n+1 यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2n+1 दैट इज इक्वल टू 5 ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 67 कहता है f+v, FIVE के शॉर्टकट से आप याद रख सकते हो इसको, FIVE, तो ई तो चला जाता है बाद में, इसको बदल दो प्लस में, f+v इज इक्वल टू e-2, तो कहाँ पे है आपका? f+v इज इक्वल टू ई, कहाँ पे ये सॉरी f+v इज इक्वल टू e+2 होता है ठीक है,
एफ आई वी ई ऐसे लिखते हैं ना, तो इसको यहाँ पे इक्वल निशान लगा दो, इसको प्लस में बदल दो और यहाँ पे हो जाता है +2। तो यहाँ पे भी ये है और ए भी इसका आंसर है, दो आंसर हो गए इसके। देखते हैं एम यू क्या कहता है, या तो वो दोनों ऑप्शंस देगा या फिर वो सबको कॉमन मार्क्स देगा या फिर वो इस क्वेश्चन को डिलीट कर देगा। 68 नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल लेटर डायमंड्स आर परपेंडिकुलर टू, डायमीटर होना चाहिए। ओके तो ये होगा आपका रोम्बस या काइट। ओके लेकिन इसके जो डायग्राम्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, ध्यान रखना। 69 पॉइंट, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड दैट कैन बी केप्ट इन क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ साइड, बॉक्स का साइड साइड्स दी हुई हैं 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या निकालेंगे, इसका डायगोनल निकालेंगे और डायगोनल इसका क्या आने वाला है, लेट्स सी फॉर्मूला क्या होता है इसका। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके तो आपका आएगा 1400 सेंटीमीटर रूट। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन ऑफ एन साइड इज इक्वल टू, कितने होते हैं भाई, डायगोनल का फॉर्मूला क्या है ये पूछा है इसने। इसका बी ऑप्शन सही होगा, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। सपोज हमने लिया ये आपका एक रेक्टेंगल, ठीक है, यहाँ पे आप देखते हो डायगोनल कितने होते हैं, दो आपको पता है, यहाँ पे एन की वैल्यू रख के देखो आंसर दो आएगा क्या। एन की वैल्यू कितने रखेंगे हम, चार रखेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगल की। तो 4 × (n-1) मतलब 3/2 - 4, तो यहाँ पर देखो ये इससे कट जाएगा, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, और 6 - 4 करेंगे हम, 6 - 4 = 2, तो बिल्कुल सही है आपका आंसर। ओके ऐसे करके आप चेक कर लिया करो। रेसिप्रोकल बताना -1 का, तो -1 ही रहेगा, ठीक है, यानी कि आप कैसे करते हो, रेसिप्रोकल का मतलब हो गया 1/1, लेकिन माइनस का 1 है तो इसे यहाँ पर ले सकते हो, कुल मिलाकर के -1 ही रहेगा। ओके 72, हाइट ऑफ रेक्टेंगल इन ए हिस्टोग्राम शोज द, क्या शो करता है ये हाइट, तो ये शो करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। गिवन दैट 56 25, देन द वैल्यू ऑफ दिस, तो आप यहाँ पे देखोगे ये जो आया है इसकी, इसमें क्या वैल्यू आएगी इसकी, तो आप देखिए यहाँ पे 4 के बाद पॉइंट है, तो हमारे आंसर में 2 के बाद पॉइंट आना चाहिए, तो 0.75 आप कह सकते हैं, 0.75 इससे मिला, और उसके बाद प्लस करेंगे इसमें, यहाँ पे हमें मिलेगा 7.5, दोनों का ऐड कर दोगे तो 8.25। 74, शिफ्टिंग ऑफ नंबर फ्रॉम वन साइड ऑफ इक्वेशन टू अदर साइड इज, क्या कहलाता है ये, तो ये आपका कहलाएगा ट्रांसपोजिशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ 74, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन, में से कौन सी लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 1, ठीक है, तो मैक्सिमम पावर 1 किस में है, ऑप्शन डी में। ए प्रिज्म इज ए पॉलीहेड्रॉन हुज लेटरल फेसेस आर ट्राइंगल्स। ओके और 77 देखिए, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, वहाँ पे P - R एंगल्स जो हैं वो किसके बराबर होंगे। अब पैरेललोग्राम की बात हो रही है, तो देखिए अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक, ये है P, सपोज ये है Q, ये है आपका R और ये है S, ये और ये दोनों बराबर होंगे, और इन दोनों को अगर आप माइनस कर दोगे एक में से दूसरे को तो क्या आएगा, 0, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 78 देखिए, वैल्यू ऑफ दिस -2 की, पहला आप पावर डिसाइड कर लो कितनी हो जाएगी, पावर 2 × 3 = 6 - 1 इनके 5, तो -2 की पावर कैसी है, ये 5 कैसा नंबर है, ऑड, तो ऑड है तो माइनस का साइन रहेगा, ध्यान रखना। और 2 की पावर 5 होती कितना है, 32 होती है, लेकिन माइनस का साइन तो रहेगा, ऑड नंबर है, 5 ऑड है, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। 79, कार कवर्स डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस इन 40 मिनट्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 30 मिनट इज, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास डी इज इक्वल टू एस इन टू टी, डी सॉरी डी इज इक्वल टू एस इन टू टी, हमें क्या दिया है, टाइम दिया है 40 मिनट्स और स्पीड दी है, एस इज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, इसको टी से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 मिनट को आप क्या कह सकते हो, 2/3 आवर कह सकते हो, कट करो इसको कितना आ गया ये 40, सॉरी 22 = 40, हाँ 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर की ये डिस्टेंस है जो कि उसने तय की है 6 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड पे। अब हमें डिस्टेंस मिल चुकी है, अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम कह लो आप इसको या टी टू कह लो, तो टी टू इज इक्वल टू टाइम, हमें पता फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, सॉरी हमें निकालनी है अब एवरेज स्पीड, दूसरी बार में एवरेज स्पीड,
तो एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी, डी कितना है 40 किलोमीटर, टाइम दिया है 1/2 आर, तो कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड होनी चाहिए, ऑप्शन ए। द नंबर ऑफ टाइम एन ऑब्जर्वेशन अकर्स इन द गिवन डेटा इज कॉल्ड, ये तो आप उसको फ्रीक्वेंसी कहो, ठीक है, हाँ फ्रीक्वेंसी कहेंगे, और क्या ऑप्शन हो सकता है। 81 देखेंगे, इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज एन एंड एन इज द इवन, एन इज इवन, ओके, अब क्या कहता है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ इट्स स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे, एन अपॉन टू होंगे, किसी भी एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हो। 36 अगर सपोज आप स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 1296। नंबर ऑफ यहाँ पे डिजिट्स कितने हैं, 4, यानी कि एन इज इक्वल टू 4, और एन यहाँ पे क्या है, एन है यहाँ पे इवन नंबर, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर हम 4 को 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 2, और ये क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट, ओके, तो बिल्कुल ठीक है ये। 82, फाइंड द होल नंबर्स ए बी एंड सी सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू दिस, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये बच्चे ने बिल्कुल सही किया, ये 14 इसका आंसर आ जाएगा, और इसी ढंग से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए डाइस इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, डाइस जब हम थ्रो करेंगे तो क्या क्या नंबर्स मिल सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6, तो कोई नंबर ऐसा आ सकता है जो 6 से ज़्यादा, 6 से बड़ा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0/6, यानी कि 0, और हमें ये दिया है, तो ये भी देखिए बिल्कुल ठीक किया बच्चे ने, 5a+25 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, b2 आ रहा है, तो b2 मतलब यहाँ पे एक ही चीज़ होनी चाहिए 7, तो ये हमारा 57 बनेगा, और ये कितना बनेगा 25 रहेगा। अल्टीमेटली यहाँ पर अगर 2 मिला हमें तो यहाँ पे 7 था तभी मिला ना, और 5 + 2 + 1 होगा ना, 1 कैरी करेंगे तो ये हो जाएगा 8, यानी कि b = 8, a = 7, b = 8, दोनों करेंगे प्लस तो आएगा 15, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और देखिए अच्छा सवाल है, द पॉइंट 3a, सॉरी पॉइंट 3 एंड 4 इज एट ए डिस्टेंस ऑफ, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 3 फ्रॉम वाई एक्सिस। आप इस ढंग से कुछ समझ सकते हो कि ये आपका पॉइंट कहाँ पे है, ये कोऑर्डिनेटर्स हो गए, और यहाँ पे ये कोई पॉइंट है, सपोज पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 3 एंड 4, तो इसका मतलब क्या है कि 3 क्या है, 3 एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी है, 1, 2, 3, ठीक है, एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी है उसकी 3, और वाई एक्सिस से दूरी कितनी है 4, ये उसकी वाई एक्सिस से दूरी है और ये उसकी एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी है, ओके, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। तो ये हो गया आपके 85 क्वेश्चंस कंप्लीट आंसर की, आप अपना आंसर जरूर कमेंट करिए, अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए, ताकि हम अंदाजा लगा सकें कि आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, फिर हम आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे वीडियो बना के देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।